हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे ये शेयर करूंगी कि मेरे गार्डन में मेरी मेहनत रंग लाई, अब कुछ कुछ रौनक लौटने लगी है। कुछ हमारे यहाँ बारिश भी होने लगी और मैं इनकी कुछ कुछ केयर भी करने लगी, तो अब इनमें जो है रौनक आ ही गई। अभी बहुत ज़्यादा तो फ्लावरिंग नहीं हो रही है, लेकिन कुछ में होने लगी है, उन्हीं को मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए मेरा ये ओलियंडर में कितनी अच्छी फ्लावरिंग होने लगी है। इसमें थोड़ी बहुत फ्लावरिंग हो रही थी। ये देखिए मैंने स्पेंड फ्लावर्स को कट किया था, कुछ कुछ फ्लावरिंग हो रही थी। किसी किसी के में सीड पॉट बनते हैं, लेकिन मेरे में अभी सीड पॉट नहीं बन रहे हैं। और ये देखिए, ये मेरे देसी विंका और हाइब्रिड विंका में भी खूब अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए वाइट कलर के विंका कितने सुंदर लग रहे हैं, जैसे लगता है स्टार खिले हुए हैं। ये देखिए इस कदर खिले हैं। और ये मेरा कोचिया हरा भरा देख के बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए मेरे बोगनविला में, इसमें भी अब देखिए ये रेड कलर की ये जो आ रहे हैं, यही सब इसके फ्लावर बनेंगे। येलो कलर में भी इसी तरह से हो रहा है। देखिए ये अपराजिता, ये देखिए इनको अभी हाल ही मैंने कट किया था, इनमें कितनी अच्छी रौनक आई है। ये अगेओ नाग चंपा में मेरी कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये रोज गिरा रहता है, इसकी जो है इसका मुझे पॉट चेंज करना है, ये रोज गिर जाता है। ये देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग इसमें, उधर कुछ ज़्यादा ही हुई है। ये देखिए मास रोज मेरे जो वेस्ट प्लांटर में लगे हुए हैं, इनमें देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। देखिए सुदर्शन मेरा कितना हरा भरा। अभी मेरे रेन लिली में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, और ना अभी मुझे कहीं कलियों वाला वही दिख रहा है, शूट्स जो नीचे से कलियां निकलती हैं। ये देखिए मैंने क्लेंचों की कटिंग लगाई है, ये लगाया है। ये मेरा रेन लिली है, ये मेरा लोटस प्लांट है, इसमें तो फ्लावरिंग अभी नहीं हुई। आप देखिए मेरे वाइट अपराजिता में कितने फ्लावर्स आए हैं। देखिए ये देखिए, ये रजनीगंधा में देखिए फ्लावरिंग। ये देसी विंका जो मैंने कटिंग से लगाई थी, उसमें देखिए फ्लावरिंग। ये बेला देखिए, इसमें कलियां देखिए। ये पाउडर पफ का भी प्लांट अच्छा हो रहा है। ये अलमांडा में मेरे अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है। ये वाइट कनेर की कटिंग जो मैंने लगाई थी, ये लौकी का प्लांट है। ये मेरा कुंद का प्लांट, इसमें देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये रात रानी में तो अभी ग्रोथ नहीं कहीं दिखी, देखिए पर्सलिन में आज कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है, पूरा भरा हुआ है। ये भी वेस्ट प्लांटर में लगा हुआ है, इसमें आज कुछ कम फ्लावरिंग हुई है। ये देखिए कनेर में आज कितने फ्लावर खिले हैं, ये वाइट देखिए कलियों से भरा हुआ है। ये देखिए कलियां, ये और ये येलो वाले में भी देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग और कितनी कलियां हैं।
ये देखिए इसको तो मैं रोज आपको दिखाती हूँ, इनमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग होती है। ये देखिए ये मेरे देसी मॉस रोज हैं, रानी कलर के, वाइट कलर के, पिंक कलर के, ये वाइट, ये पिंक, ये रानी, और कितनी बड़ी साइज के फ्लावर इसमें भी खिले हैं। ये मेरे तीनों हाइब्रिड हैं, देखिए एक ये कलर है, एक ये कलर है, और एक ये कलर है, तीन हाइब्रिड हैं, ये भी देसी हैं। ये सब देखिए कटिंग्स लगी हुई हैं। ये मधुमालती का भी प्लांट अच्छा हो रहा है, अब इसमें फ्लावरिंग होगी। ये भी मॉस रोज हैं। ये मेरी मधुकामिनी भी अच्छी हो गई। ये देखिए गुड़हल में अब कुछ कुछ रंगत लौट रही है, किसी में कलियां बन रही हैं, देखिए इसमें कली बनी हुई है, इसमें देखिए कलियां बन रही हैं, अब इसमें फ्लावरिंग होगी। ये एक्जोरा का प्लांट कितना हेल्दी है, कॉस्मोस, ये मेरे करेले का प्लांट देखिए कितना हेल्दी हो रहा है। ये देखिए वाइट, इसमें केवल वाइट ही लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।